तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च का तीसरा सप्ताह कैसा बीतेगा। तो हम बात कर रहे हैं 15 से 21 मार्च के लिए। सबसे पहले बात करेंगे आपके लिए 15 मार्च की। 15 मार्च को चंद्रमा आपके पंचम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। प्रेम संबंधों में बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है तो वो अच्छा रहेगा और नया भी प्रेम संबंध बन सकता है। चंद्रमा का पंचम भाव में होना आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बनाएगा, आपकी क्रिएटिव स्किल को बढ़ाएंगे और आपको धन लाभ भी मिलने वाला है। तो चंद्रमा का पंचम में गोचर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चाहे आप किसी भी वर्ग से हों, चाहे आप जॉब करते हों, चाहे आप स्टूडेंट हो, किसी भी वर्ग के आप हों, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये गोचर रहने वाला है। तो शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छी प्रकार से होगी। 15 तारीख का दिन आपका काफ़ी अच्छा बीतेगा। इस दौरान संतान से आपका स्नेह बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। निसंतान दंपति हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है। इनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपकी सृजन क्षमता बढ़ने से आप कोई नई क्रिएटिविटी डेवलप कर पाएंगे, कुछ ऐसा आप कर पाएंगे जहाँ जिसके बारे में आपने पहले कोई ट्राई नहीं किया हो। तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह इन सब से संबंधित आप काम करते हैं तो आपको धन लाभ भी मिलने वाला है। आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे और इमोशनल होने से आपके बहुत सारे ऐसे डिसीजन होंगे जो आपके मन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। इस दौरान आपका जो मन है उस पर चंद्रमा का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो इस दौरान आप किसी के साथ भी जब व्यवहार करते हैं तो थोड़े इमोशनल हो सकते हैं। आपको अपनी क्रिएटिविटी की वजह से भी धन लाभ हो सकता है। धन से जुड़े मैटर्स में आपका ये दिन काफ़ी अच्छा बीतेगा। तो जितने भी आपके धन से जुड़े काम हैं, किसी से लेन देन करना है, किसी से कुछ और करना है, तो वो निपटा सकते हैं। इस दौरान लाभ प्राप्त होगा और आपकी कोई ऐसी इच्छा जो बहुत लंबे समय से अधूरी रह रही थी, आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, वो पूरी हो सकती है। चंद्रमा का पंचम भाव में गोचर होने से आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और आप काफ़ी एक्साइटेड भी रहेंगे। तो ये ऐसा वक्त होगा जब आप हर कार्य को एक्साइटमेंट के साथ करना चाहेंगे। चंद्रमा का ये गोचर आपके धन में वृद्धि करेगा और आपके मित्रों की जो संख्या है वो भी बढ़ सकती है। तो आपको कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट मिल सकता है जिनके बारे में आपने सोचा ना हो, और जिनसे आप किसी से भी आप अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मांगेंगे तो वो भी आपको मिलेगा। तो ये लाभ का वक्त रहेगा। चंद्रमा लाभ स्थान को देखने से आपके लिए लाभ में वृद्धि तो करेंगे ही, साथ में आपके बड़े भाई के साथ आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे और भी आपके दोस्त जो आपको जानते हैं, जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, वो भी आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे। तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके जानने वालों में जो है इजाफा हो सकता है, आपको काफ़ी लोग जानेंगे। इसके बाद की जो स्थिति रहेगी 16 और 17 की, इसमें चंद्रमा आपके पंचम भाव से निकलकर आपके सिक्स्थ हाउस में स्थित हो जाएंगे, जहां ये मेष राशि में रहेंगे। मेष राशि में इनका गोचर कोई पुरानी बीमारी को फिर से उभरने का मौका दे सकता है। इस दौरान आपका रूटीन भी सही नहीं रहेगा। तो ये 2 दिन परेशानी भरे रहने वाले हैं और जो भी आपने पिछले दिनों में कुछ भी पैसा कमाया है, जो भी धन अर्जित किया है, उसका आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। इस दौरान कोई प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर आपके विवाद हो सकता है या कार्यस्थल पर किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो आपको चाहिए कि किसी से विवाद अगर करते हैं तो दूर रहें, और विवादों से आपको काफ़ी धन का नुकसान भी हो सकता है। इस दौरान कोई पुराना मैटर है वो फिर से उठ सकता है। चंद्रमा का सिक्स्थ हाउस में होना ये खर्चों को दिखाता है, साथ ही साथ आप हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। इस दौरान आप काफ़ी परेशान रहेंगे, आपका कोई भी कार्य समय पर नहीं बनेगा। चंद्रमा का यहाँ से 12वें स्थान को देखना हालांकि आपके लिए फॉरेन के जो भी कार्य हैं उनमें अच्छी सक्सेस को दिखाता है, पर यहाँ पर चंद्रमा का होना नींद से जुड़ी हुई समस्याएं भी दिखाता है और थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना भी दिखाता है। साथ ही साथ आप अगर विदेश यात्रा करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, पर आपके खर्चे बढ़ेंगे और कुछ खर्चे आपके ऐसे होंगे जो अनचाहे हो सकते हैं। तो चंद्रमा का ये 2 दिन का गोचर आपको परेशानी देने ही वाला है। इसके अलावा आपको शत्रुओं से समस्या हो सकती है। इसके बाद की जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी 18, 19 और 20 को, चंद्रमा आपके लिए सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में इनका गोचर आपको कोई बिजनेस में अच्छी पार्टनरशिप दे सकता है, कोई अच्छा बिजनेस आइडिया दे सकता है। इस दौरान आपका लाइफ पार्टनर भी आपका पूरा सपोर्ट करेगा।
ये चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी। अगर पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत ही सोच समझकर आपको करनी होगी, अदरवाइज आपकी पार्टनरशिप में ब्रेक हो सकता है। चंद्रमा का सप्तम भाव का गोचर आपके लाइफ पार्टनर के व्यवहार को काफ़ी ज़्यादा बदलेगा। इस दौरान आपका लाइफ पार्टनर बहुत ही मूडी टाइप का हो सकता है, आपके साथ बहुत ही इमोशनल व्यवहार कर सकता है, ऐसा ही कुछ आपका व्यवहार भी रहेगा। तो मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत जो चल रही थी वो कहीं ना कहीं दूर होती दिखेगी, पर कुछ समय के लिए ही ऐसा होगा। चंद्रमा का सप्तम भाव का ये गोचर आपको काफ़ी सारी यहाँ पर इमोशनलिटी देने वाला है। आप खुद पर भी फोकस करेंगे, साथ ही आपका फोकस अपनी मैरिड लाइफ पर और अपने बिजनेस पर ज़्यादा रहेगा। इस दौरान आपका अपने लाइफ पार्टनर से लगाव बढ़ेगा और साथ ही साथ एक दूसरे को अच्छा सपोर्ट भी करेंगे, पर चीटिंग होने की संभावना भी काफ़ी नज़र आती है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो। तो आपकी जो भी पार्टनरशिप्स हैं, जिनके साथ भी पहले से पार्टनरशिप कर रखी है, तो थोड़ा सा क्लियर करके चलें। इसके अलावा नई पार्टनरशिप इस दौरान ना करें, आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, पर कई बार भ्रम का शिकार होकर कोई बहुत बड़ी आप लालच में फंस सकते हैं, या फिर बहुत बड़ी इच्छा आपकी रहेगी किसी कार्य के लिए, तो वहाँ पर आपका फैसला है वो गलत साबित भी हो सकता है। इस दौरान आपको चाहिए कि आप शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो मन को काफ़ी सुकून मिलेगा और आप काफ़ी ठंडक दिमाग में महसूस कर पाएंगे। आप अपने दिमाग को कंट्रोल में जरूर रखें, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा मूडी हो जाएंगे और आपका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक प्रकार का हो सकता है। तो चंद्रमा का सप्तम में आना ये आपके लाइफ पार्टनर की जो क्रिएटिविटी है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाएगा और आपका भी कुछ ऐसा ही ये डेवलप करेगा। तो कोई क्रिएटिव वर्क आप कर सकते हैं, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो और भी लाभ होगा। साथ ही नए बिजनेस आइडियाज आपके लिए बहुत सारे होंगे, तो किसी एक बिजनेस को कई बार चूज करना आपके लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है। इस दौरान आप किसी के साथ भी व्यवहार करेंगे तो आपके व्यवहार में थोड़ी सी भावुकता भी झलकेगी। तो ये समय है अपने आप पर फोकस करने का, खुद पर फोकस करने का, साथ ही अपनी मैरिड लाइफ पर फोकस करने का और बिजनेस से ज़्यादा फायदा कमाने का। इसके बाद अंतिम दिन की जहाँ तक बात है, 21 मार्च को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़ जाएंगे जो आपके अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में आपको अगर बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा चंद्रमा का अष्टम भाव का गोचर आपको अकल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। कोई ऐसे डिपार्टमेंट में काम करें जो बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव हो तो वहाँ पर आपका काम अच्छा रहेगा। इस दौरान आपका व्यवहार काफ़ी सेक्रेटिव हो सकता है, कोई भी आपको समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग आपकी बातों को नहीं समझने के कारण आपके साथ गलत व्यवहार भी कर सकते हैं। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सेक्रेटिव टाइप की रहेगी। आपका कुछ ऐसे विषय में इंटरेस्ट रहेगा जो बहुत गहरे हैं, जो बहुत डीप होते हैं और किसी ज़्यादा लोगों को या किन्हीं ज़्यादा संख्या में लोगों को उनका नॉलेज पूरा नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब चंद्रमा अष्टम में गोचर कर रहे हैं, मानसिक परेशानी हो सकती है। किसी कार्य का बर्डन अपने ऊपर लेने से आप काफ़ी परेशान रह सकते हैं। आपका कार्य जब समय पर नहीं बनेगा तो आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में होना अचानक धन की वृद्धि करेगा और प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में अच्छी सफलता दिला सकता है। इस दौरान आपको कुछ परेशानियां जरूर रह सकती हैं, एक्सीडेंट की संभावना भी बनती है। साथ ही साथ चंद्रमा का यहाँ से एस्पेक्ट पड़ेगा आपके सेकेंड हाउस पर। सेकेंड हाउस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से वाणी में काफ़ी ज़्यादा मधुरता रहेगी और आप किसी को भी अपनी वाणी के द्वारा प्रभावित कर सकते हैं। इस दौरान आपका अपने फैमिली से संबंध अच्छा रहेगा। आपको धन की जो बचत होगी उसका आप जो भी व्यय करेंगे वो अपनी फैमिली पर या खुद पर कर सकते हैं। खाने पीने की आदतों में कुछ बदलाव हो सकता है, आपको चाहिए कि आप हेल्दी खाना ही यूज़ करें। इसके अलावा आप अगर एक क्रिएटर हैं, अगर आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं तो आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। चंद्रमा के सेकेंड हाउस को देखने से आपकी वाणी में अचानक मधुरता आ सकती है। आप किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो आपकी फैमिली का हो चाहे वो आपकी फैमिली का नहीं हो, कोई भी अपना कार्य निकलवा सकते हैं। इस दौरान अगर आप एक संगीतकार हैं, गीतकार हैं, तो आपको चंद्रमा का इस गोचर का काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा आप अपने फेस को लेकर भी काफ़ी चिंतित रह सकते हैं। तो चंद्रमा का ये गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा जाते जाते, पर मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी जरूर देगा। आप लोगों के लिए इस वीक में जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 6 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा नीला रंग। फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।